हाँ, सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बर्तन। बड़े बर्तन में डालेंगे हम करीब 50 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा सूजी। अब सूजी बारीक वाली लेनी है। अगर आपको बारीक वाली नहीं मिले तो आप इसे थोड़ा सा मिक्सी में पीस लें। इसमें डालते हैं हम करीब 8 से 10 पिंच काला नमक, 8 से 10 पिंच के करीब इसमें हम सी सॉल्ट डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। डालेंगे हम एक हरी मिर्च। अब अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्च कम डालें। करीब इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून प्याज, यानी आधी प्याज मान लीजिए आप मीडियम साइज की, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर 8 से 10 पिंच, साथ में डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़े से स्प्रिंग अनियन, आठ से दस पिंच चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और डालेंगे इसमें दर्दरी लाल मिर्च करीब 8 से 10 चुटकी। इसमें डालते हैं हम करीब 3 टेबल स्पून दही। दही आपको मीठा ही लेना है, तो ये 3 टेबल स्पून दही हम इसमें डाल दिया है। तो एक बार इसे मिला लेते हैं। इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा पानी, और इसे ना तो पतला और ना गाढ़ा हमें बनाना है, मीडियम इसका घोल बनाना है हमें। अभी गाढ़ा है और विस्क करना पड़ेगा वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। शुरू में रखना है इसे, और अभी से हम ढककर रखेंगे करीब आधे घंटे के लिए। इसे ढककर रख देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे ढक के रखा था और आधा घंटा हो चुका है। इसमें हम डालते हैं मिक्स शिमला मिर्च, लाल, पीली और हरी, करीब 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा हम डालते हैं इसमें पुदीना, करीब 8-10 पत्ते बारीक कटे हुए, और 1 टेबल स्पून कद्दूकस कटी हुई गाजर, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मूंग दाल पापड़ लेने मीडियम साइज के। अगर आपका पैन बड़ा हो तो आप बड़े भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन चढ़ा दिया है, इस पे हम पहला पापड़ इस तरीके से रखते हैं बीच सेंटर में, और जो हमने घोल बनाया था वो घोल इस पे इस तरीके से डालेंगे, और इसे जल्दी डालें। अगर आपने इसमें टाइम लगाया तो ये पापड़ सिक के तैयार हो जाएगा। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इसे पतला ही लगाना है, ज्यादा वो नहीं लगाना है आपको, क्या नाम, मोटा नहीं लगाना है। अब क्या करना है, इसे थोड़ा सा इस तरीके से ढककर रखेंगे, 1 मिनट करीब ढककर रखेंगे, फिर हटाएंगे, इसमें से जो भाप आएगी, पानी आएगा, उसे पोंछेंगे कपड़े से, फिर वापस ढकेंगे। ऐसा हम 2-3 बार करेंगे। 3 बार इसे, ये देखिए पानी आया, अब इस पानी को हमने हटाया और उसे पोंछ लिया। अब ये देखिए अच्छे से पक गया, इसका कलर ही चेंज हो गया है। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा, आप चाहें तो इस पर एक पापड़ और रख सकते हैं, लेकिन हम सिंगल ही बनाने वाले हैं। पहले मैंने सोचा था कि 2 पापड़ लगाएंगे, लेकिन नहीं, सिंगल में ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस तरीके का मसाला पापड़ आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा, ये देखिए। अब इससे ये हमने लगा लिया तेल, नीचे हमने बिल्कुल तेल नहीं लगाया क्योंकि नीचे है पापड़। अब इसे हम एक बार पलट लेते हैं। मुंह में पानी आया ना आपके? ऐसे बनाते हैं पापड़, मसाला पापड़। एक बार आपने ये बना लिया ना, कसम से आप हर बार मसाला पापड़ ऐसे ही बना के खाएंगे। बस हल्का सा प्रेस कर लेते हैं, और नीचे से इसे क्रिस्पी करना है। ये पापड़ हमारा यहाँ से, ये देखिए क्रिस्पी है, और नीचे से भी इसे क्रिस्पी करना है। अब आपके ऊपर है, आप क्रिस्पी कितना खाना चाहते हैं।
इसको एक बार पलट लेते हैं हम। ये अच्छे से पक गया है, गैस करते हैं बंद। दूसरा तीसरा चौथा बनाइए, खाइए, ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बस आपको घोल बनाना है, उसके बाद पापड़ फ्राई करते दिए और चाय के साथ में एंजॉय करिए, मज़ेदार। बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को इसको शेयर करें सभी के साथ में और अपने घर में ज़रूर बनाएं। और कैसी बनी आपकी रेसिपी मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया गया। तो चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलिए जो बनाया है उसे खाकर खत्म करते हैं।